गुड आफ्टरनून ऑल। गुड आफ्टरनून। विनय सर ने बिल्कुल आपकी पावर बढ़ा दी है, क्योंकि एक घंटे पहले जब मैंने एंट्री की थी तब देखा था कि कुछ लोग मतलब मायूस थे, कुछ लोग सोने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लोग सोए हुए थे, लेकिन जैसे जैसे विनय सर का प्रेजेंटेशन हुआ तो सारे लोग जाग गए और बहुत ही जबरदस्त तरीके से जागे, और इतनी जबरदस्त पावर आप में आई है कि आप बिल्कुल मोर पावर के मतलब पावर तो मोर पावर। यस, बहुत बढ़िया, शानदार रिजल्ट्स है। प्रोडक्ट ने आते ही महीने भर में इतनी धमाल मचाई कि दो तीन बार प्रोडक्ट शॉर्टेज हुआ, और फिर अभी मैन्युफैक्चरिंग की भी उनकी तैयारी बहुत जबरदस्त है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रतीक जी ने बताया मेरे बारे में कि मैं 20 साल से इंडस्ट्री में हूँ, 20 साल से नहीं 30 साल से इंडस्ट्री में हूँ, और बाद में चाहिए तो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो में आप सर आप शेयर करेंगे कि इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री के अचीवमेंट्स क्या है। 20 साल से अपनी कंपनी रन की है, 700 करोड़ का टर्नओवर है, एग्रीकल्चर की मैन्युफैक्चरिंग जो है हमारी खुद की यूनिट है पुणे में, 15 ईयर से एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, और सागर सर को मैं जानता था, मैं और सागर सर मुझे जानते थे, लेकिन क्या पता नहीं ना कि कुछ भगवान ईश्वर ने कुछ लिखा होता है। बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है, जबरदस्त काम किया है, एक बार सागर जोशी सर के लिए बहुत बहुत जोर जोर से। पिछले 4 साल में उन्होंने जो करके दिखाया हुआ अमेजिंग है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग है, लेकिन एक वो बहुत बड़ी क्या कहेंगे पावर हाउस है, शक्ति है, और उसके साथ ऐसी ऐसी बहुत बड़ी बड़ी और शक्तियां जुड़ रही है, जैसे इन्फ्लुएंस ग्रुप भी जो है जो 700 करोड़ का टर्नओवर कर चुका है, वो आज बायोट्रेन ग्रुप के साथ कोलैबोरेट कर रहा है। यहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की अगर बात करें तो सर ने सागर सर ने ऐसा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है कि थैंक यू। तो ऐसे प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस यहां पर किए हुए हैं, ये ई बायोट्रोन इन्फ्लुएंस आप देख रहे हैं जॉइंटली इन्फ्लुएंस ग्रुप और ई बायोट्रोन ग्रुप की, ये 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है। 15 साल से मैन्युफैक्चरिंग, मैंने कहा एक इकलौती ये कंपनी है, इकलौती ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है जिससे जो गवर्नमेंट के साथ में भी टाइड अप है। गोवा गवर्नमेंट जो है ना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत प्रमोट कर रही है, और इन प्रोडक्ट्स पर जो भी लोग इन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं 40,000 रुपए तक के डीपी में, 40,000 रुपए मान लीजिए कि किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने 40,000 के प्रोडक्ट खरीद लिए, उसकी एमआरपी तो 50,000-60,000 है, लेकिन डीपी उसकी कितनी है 40,000 है, तो गवर्नमेंट उनके अकाउंट में 20,000 रुपए क्रेडिट कर देती है, फिर से सब्सिडी 50% सब्सिडी। कहीं सुना है डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है? ई बायोडोरी में अभी है, इस प्रोसेस में है, ऑलरेडी इन्फ्लुएंस के प्रोडक्ट्स को सब्सिडी मिल रही है, लेकिन अभी प्रोसेस में क्या कि ई बायोडोरी में उसके साथ में जुड़ा है ना नाम ब्रांडिंग के साथ में, तो वो प्रोसेस भी हम लोग कर रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट अभी अवेलेबल है इसके ऊपर भी 50% सब्सिडी मिल जाए। गोवा गवर्नमेंट में क्यों है, क्योंकि उनकी पॉलिसी है, और बाकी इस गवर्नमेंट्स भी ट्राई कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट करें, सिक्किम ने भी बहुत जबरदस्त काम किया ऑर्गेनिक में, और बाकी भी स्टेट्स उसको कोशिश कर रहे हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट की अगर पॉलिसी, आप जहां से भी हैं, अगर आपके स्टेट में कई कनेक्शन है आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, तो आप उनसे बात कर सकते हैं कि ऐसा था, और वो भी क्या देते हैं रेफरेंसेस कि अरे गोवा ने किया है तो फिर हमें वो इन्वाइट करेंगे, हम उन्हें प्रेजेंटेशन देंगे, हमारी सारी जो टेक्निकल डिटेल्स है उनके साथ शेयर करेंगे, जो लाइसेंस है वो शेयर करेंगे, एक्सपर्टीज शेयर करेंगे, उसके बाद में गवर्नमेंट के साथ में भी टाइप हो सकता है आपके स्टेट में, क्योंकि स्टेट लेवल की पॉलिसी, सेंट्रल की पॉलिसी नहीं है। तो 50% सब्सिडी गवर्नमेंट देता है जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर, उन प्रोडक्ट्स को सागर जोशी सर ने यहां पर आपके लिए अवेलेबल कराया है। शुगर फैक्ट्रीज डायरेक्टली टाइड अप है, शुगर फैक्ट्री ने इन प्रोडक्ट्स की रिजल्ट्स लिए। हर शुगर फैक्ट्री में एक केन डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, केन डेवलपमेंट ऑफिसर मराठी में उसको बोलते हैं ऊस विकास अधिकारी, अब हिंदी में पता नहीं गन्ना विकास अधिकारी बोलते क्या पता नहीं उसे बोलते हैं क्या, अरे मैडम बहुत बढ़िया, वो केन डेवलपमेंट ऑफिसर गन्ना विकास अधिकारी। तो केन डेवलपमेंट ऑफिसर जो है उन्होंने इसके ऊपर काम करके कई महीने काम करके डायरेक्टली शुगर फैक्ट्री के जो प्लॉटिंग है उनके जो डायरेक्टर्स हैं शुगर फैक्ट्री के उनके फार्म में इन प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद में ऐसे रिजल्ट्स निकाले हैं कि पर एकड़ 100 टन की प्रोडक्शन पर एकड़,
तो ऐसे ऐसे रिजल्ट्स उन्होंने यहाँ पे लिए हुए हैं। तो शुगर फैक्ट्री में भी हजारों एकड़ में प्रोडक्ट्स यूज किया जाता है और उसको मल्टीप्लीकेशन चल रहा है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स आपके हाथ में है जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, 15 साल से लाखों लोग इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राज्यों में यूज कर चुके हैं, रिजल्ट ले चुके हैं। आप किसी भी फसल का नाम लीजिए, किसी भी फसल का आप नाम लीजिए, उस फसल के ऊपर प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स है और उसके वीडियोस, उसके टेस्टिमोनियल्स हमारे पास, थाउजेंड्स ऑफ टेस्टिमोनियल्स। सेब के ऊपर है, एप्पल, एप्पल के ऊपर भी बिल्कुल, लेकिन वो उस लैंग्वेज का वीडियो अभी एप्पल के ऊपर, तो वीडियो मतलब वो नहीं, लेकिन रिजल्ट्स के बारे में पूरा 100% आपको सारे डिटेल्स देंगे। यहाँ पे एक शेड्यूल आपको मिलेगा, प्रोडक्ट क्या है। देखो मेरे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, केमिकल फार्मिंग क्या होता है, फिर उसके बाद बिल्कुल उसमें नहीं जाऊंगा मैं, डायरेक्टली प्रोडक्ट्स के ऊपर आने वाला हूं। तो एक शेड्यूल आपको मिलेगा जिसमें कोई भी फसल हो तो किस फसल में कौन सा प्रोडक्ट किस तरीके से यूज करना है, कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है, कब यूज करना है, कितनी मात्रा में यूज करना है और उसका रिपीटेशन क्या होना चाहिए हर प्रोडक्ट। तो आपको क्या करता है करना है, काम करते हुए आसानी हो जाती है। मान लीजिए जैसे गन्ने की बात करें, कोई पूछता है ये प्रोडक्ट गन्ने के ऊपर कैसे यूज करें, एक शेड्यूल उसको व्हाट्सएप के ऊपर आपको मिल गया, पूरा शेड्यूल आपको उसको भेज दो, तो किसान वो पढ़ के भी डायरेक्टली अप्लाई करेगा, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, इतना सिंप्लीफाई किया हुआ। तो बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट्स है दोस्तों। ये प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, क्या है, 2 मिनट का वीडियो से आपको पता चल जाएगा क्या टेक्नोलॉजी इस प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पर इस्तेमाल की गई है। जो दवाई बनाने वाली जो मशीन जिसके लिए लगती है स्टेनलेस स्टील 316 हाईएस्ट ग्रेड के स्टेनलेस स्टील्स के, तो ऐसे 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 टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज की है। दिन में 10 टन भी मटेरियल बनाना है, 10 टन इन अ डे एक शिफ्ट में, फिर भी बना सकते हैं, इतनी बड़ी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। और ये मशीन इसलिए यूज हुई क्योंकि इंग्रीडियंट जो है ना इसके हर एक प्रोडक्ट में जो इंग्रीडियंट डाले जाते हैं, जो उसके मुख्य छोटे 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 जो इंग्रीडियंट क्या कहेंगे घटक, हिंदी में क्या बोलेंगे उसे इंग्रीडियंट्स, ओके, तो उसमें जो कुछ इंग्रेडिएंट्स हर एक प्रोडक्ट में पड़ते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स हाईएस्ट ग्रेड के हैं। हम खुद हमारी साइंटिफिक टीम टेक्निकल टीम वर्ल्ड वाइड एग्रीकल्चर एक्सपोज में हम लोग जाते हैं, वर्ल्ड वाइड अलग अलग कंट्रीज में हम लोग गए हैं, वहां की टेक्नोलॉजी को समझा है, वहां के इंग्रेडिएंट को समझा है,
और लेटेस्ट क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, लेटेस्ट कंपोनेंट्स कौन से आए, लेटेस्ट इंग्रेडिएंट्स कौन से आए, लेटेस्ट उसमें मॉलिक्यूल्स कौन से आए, वो उसको ढूंढ के इन प्रोडक्ट्स में डाला जाता है। अभी 15 साल से अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो उसमें आप समझिए कि 15 साल में कई बार उसमें इनोवेशन हुए, 15 साल में कई बार उसमें मॉडिफिकेशन हुए, 15 साल में कई बार उसमें इंप्रूवमेंट्स आए हैं। और प्रोडक्ट इस तरीके से भी हुआ कि मिशन ऑर्गेनिक इंडिया अगर करना है तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो भी हम प्रोडक्ट किसानों को देंगे वो इकोनॉमिकल होने चाहिए, इकोनॉमिकल होने चाहिए, मतलब उनकी उनकी जो लागत है ना वो कम होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। तो यहां पर एक कमाल की बात बताऊं, 6 प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं। शॉर्ट में मैं एकदम 2-2 मिनट में जाऊंगा, पूरा प्रेजेंटेशन मैं आपको देने वाला हूं, राइट। तो 6 प्रकार के जो प्रोडक्ट्स है, हर एक प्रोडक्ट की एमआरपी जो है, 1 लीटर का प्रोडक्ट हो, 5 प्रोडक्ट लीटर में है बॉटल्स में है, और एक प्रोडक्ट पाउडर फॉर्म में पाउच में है, तो 1800 रुपीज की प्राइसिंग है। देख लो इस तरीके से यहां पे बिठाया है, आप में फर्स्ट परचेस हमारी जो है डिस्ट्रीब्यूटर की फर्स्ट परचेस के लिए, रीपर्चेस के लिए अगर बात करें तो 10 प्रोडक्ट अगर कोई खरीदता है तो डायरेक्ट 50% डिस्काउंट है। 18 वाओ 18,000 के 10 प्रोडक्ट हो गए, 1800 × 10 18,000, 50% ऑफ 9,000 रुपीज, 25 पीवी मिल जाएगा। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि किसानों के लिए उसका 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 जो क्षेत्र है, उसका उसकी जो एकरेज है, लैंड होल्डिंग है, 3 एकड़ है, 4 एकड़ है, तो जितनी ज्यादा लैंड होगी वो क्या करेगा, वो बोलेगा 10 प्रोडक्ट से मेरा कुछ भी नहीं होगा, मेरा तो 2 एकड़ का ही काम हो गया, मुझे और प्रोडक्ट चाहिए। तो आप 20 प्रोडक्ट खरीदिए, अभी 20 प्रोडक्ट की एमआरपी होती 36,000 रुपीज, लेकिन कंपनी दे रही है 16,500 रुपए में, तो एक प्रोडक्ट पड़ता है 825 रुपए में, 825। एमआरपी कितनी है 1800, प्रोडक्ट पड़ेगा 825 में। और ज्यादा प्रोडक्ट खरीदते हैं, 40 प्रोडक्ट खरीदते हैं तो एमआरपी होती है 72,000, 1800 × 40 72,000, कंपनी आपको ई बायोटेक कंपनी आपको 31,000 में प्रोडक्ट दे रही है, यानी 41,000 लेस। तो सोचिए किस तरीके से बैठा, क्योंकि सागर सर के साथ में बैठ के काफी डिस्कशन हमारा जो ऑलमोस्ट महीना भर, तो सर ने ऐसा कुछ करते हैं धमाका एग्रीकल्चर सेगमेंट में भी, क्योंकि प्राइसिंग, मैंने सर आपको फ्रैंकली बताऊं, इन्फ्लक्स ने कभी भी कोई भी प्रोडक्ट 15 साल पहले भी 1000 रुपए से कम में नहीं बेचा है, जो 15 साल के बाद का प्रोडक्ट उससे बहुत जबरदस्त इंप्रूव्ड प्रोडक्ट, पहले 1 एकड़ में अगर 1 लीटर लगता था, आज 1 एकड़ में 400 ml लगता है, 2.5 गुना उसकी लागत कम हो गई, 2.5 गुना उसका यूसेज कम हो गया, 2.5 times, मतलब 60% रिडक्शन हो गया क्वांटिटी में, और प्राइस देखो क्या मिल रही है। तो 40 प्रोडक्ट खरीदते हैं तो प्राइस पड़ती है 775 रुपीज। और एग्रीकल्चर एक ऐसा सेगमेंट है कि जहां पर फसल निकली, एक फसल के बाद दूसरी फसल आएगी, फिर प्रोडक्ट चाहिए, तीसरी फसल आएगी फिर प्रोडक्ट चाहिए, जैसे जैसे फसल चेंज होगी, क्रॉप चेंज होगा, हर बार ये प्रोडक्ट चाहिए। तो ये प्रोडक्ट आपको बहुत जबरदस्त वॉल्यूम देंगे, एक एक किसान, एक एक कस्टमर, आपका डिस्ट्रीब्यूटर बने या आपका कस्टमर है, वो 50,000 रुपए का माल लेगा, 1,00,000 रुपए का प्रोडक्ट लेगा, 2,00,000 रुपए का प्रोडक्ट लेगा। आपने एक ही कस्टमर को 50,000, 1,00,000, 2,00,000 का माल दिया है क्या कभी? सागर सर ने ऐसा प्रोडक्ट बनाया कि एक बार दे दो तो 15 साल की जरूरत ही नहीं, 20 साल फिर लेने की जरूरत ही नहीं। तो ऐसा है, वो भी अच्छी बात है ना कि एक बार भी प्रोडक्ट दे दे तो 15-20 साल खरीदना ही नहीं, फिर से उसके रिजल्ट लेते रहो बस। लेकिन अभी क्या है, हम सागर सर के लिए वो ठीक है, हम लोग काम करने वाले लोग है, हमारे लिए तो टर्न ओवर चाहिए, हमारे लिए बिजनेस चाहिए, बिजनेस वॉल्यूम आएगा तभी तो पे आउट बनेंगे, तभी तो इनकम होगी, और रिपीटेडली होना चाहिए। तो इसलिए भी ऐसा हुआ कि एक एक किसान लिटरली मतलब है हमारे, क्योंकि 15 साल से हम लोग यूज कर रहे हैं इसमें, लाखों लाखों कस्टमर से, उसके वीडियोस भी बहुत सारे हैं यूट्यूब चैनल भी, आपको आपके साथ शेयर करेंगे। तो ऐसे भी किसान हमारे पास है, डिस्ट्रीब्यूटर भी है, जो पिछले 10-12 साल में उन्होंने प्रोडक्ट यूज कर लिया, कितना प्रोडक्ट खरीदा, 10,00,000 रुपए का, 15,00,000 रुपए का एक कस्टमर ने, ऐसे है तो क्या सोचिए आपके आपके बिजनेस का वॉल्यूम क्या बनेगा, कितना बड़े लेवल पे बिजनेस बनेगा, कितने और रिपीटेडली कैसे जाए, रीपर्चेस इतना जबरदस्त बिजनेस प्लान है सर बताने वाले, तो उसमें रीपर्चेस के लिए प्रोडक्ट चाहिए, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, रीपर्चेस में प्रोडक्ट जबरदस्त धमाकेदार तरीके से जाने वाले। तो बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको इन प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा।
सबसे पहले प्रोडक्ट है सॉइल, क्योंकि देखिए फसल आई कहां पर, मिट्टी में, तो सॉइल उसका मीडिया जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडिया अगर बेटर है, सॉइल अगर अच्छी है तो फसल अच्छी आएगी। नहीं तो आपके आपके बीज बहुत जबरदस्त है, आपकी खाद बहुत जबरदस्त है, एनवायरमेंट बहुत जबरदस्त है, लेकिन मिट्टी खराब है तो आएगा क्या कुछ वहां पर? नो। लेकिन मिट्टी जैसी है उसको इम्प्रूव भी किया जा सकता है, मिट्टी की सेहत भी बदली जा सकती है। हमारी सेहत को बदलने के लिए हिमालय गोर पावर है, ऑलरेडी मैग्नेटिक मैट्रेस जैसे प्रोडक्ट है। ह्यूमन हेल्थ के लिए, हमारे हेल्थ के लिए है, और सॉइल के हेल्थ के लिए सॉइल लाइफ है, सॉइल लाइफ। तो ये पाउच देख रहे हैं आप, ये पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है। ज्यादा मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, इस मैंने कहा कि आपको एक पूरा शेयर कर दूंगा मैं। ये पाउडर है, पाउडर फॉर्म में किसी भी खाद के साथ में, कंपोस्ट के साथ में मिक्स करके, मिट्टी के साथ मिक्स करके एक एकड़ में इसको यूज कर सकते हैं। एक एकड़ के लिए एक केजी पर एकड़। इसका फायदा क्या होता है? ये अभी पीएच की बात हो रही थी, ह्यूमन बॉडी की पीएच की वजह से सॉइल का पीएच है, सॉइल का कार्बन नाइट्रोजन रेशियो है, उसको इम्प्रूव करना है, सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव करना है, तो उसमें ये काम आएगा। जमीन में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत बहुत जरूरी है हमारी भी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म गट 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 हेल्थ के लिए। वैसे ही जमीन में भी एक ग्राम, अगर मिट्टी की बात करें, एक ग्राम मिट्टी में 1 करोड़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होने चाहिए, सूक्ष्म जीव छोटे छोटे। तो जितने ज्यादा होंगे उतनी सॉइल हेल्दी होगी, उतनी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उतनी सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ेगी, और जो कुछ हम उसमें डाल रहे हैं उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। अगर मतलब इफेक्टिवली उसका यूज हुआ उन सारी चीजों का, तो कॉस्ट कम हो जाएगी। वो अभी क्या हो रहा है कि किसान डालते जा रहे हैं, जहां पे मान लो जरूरत है 2 केजी 3 केजी में काम होता है, किसान 10 केजी भी डाल देता है, उसको लगता है कि कम डालेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन हमने उसको चेंज किया हुआ है। ये प्रोडक्ट क्यों यूज करेंगे लोग, आपको बताता हूँ। जब हम रिकमेंड करेंगे, हम लोगों को किसानों को यही कहेंगे कि आपकी जो भी लागत है, जो भी आप फसल के लिए जो आप क्या कहते हैं फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, डायरेक्टली उसमें 25% का रिडक्शन कर दीजिए। मान लीजिए कि कोई किसान 1 लाख रुपए का खर्च कर रहा है, तो 25,000 रुपए का उनका खर्च कम हो गया, इनपुट कॉस्ट कम हो गई। और हम अगर कहते हैं कि उस 25,000 के बचे हुए हैं जो आपके आपके सेविंग हुई है, उसमें हमारे प्रोडक्ट आप ले लीजिए, तो एक्स्ट्रा 1 रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट बहुत ज्यादा मिलेंगे, यील्ड कितनी बढ़ती है, उपज कितनी बढ़ती है, तो 15% बढ़ती है, 20% बढ़ती है, 30% बढ़ती है, 40% बढ़ती है, 50% बढ़ती है, 100% भी बढ़ती है, ऐसे रिजल्ट 100 हमारे पास है बिल्कुल। तो क्या प्रैक्टिस है, कैसे शेड्यूल के हिसाब से अगर यूज किए प्रोडक्ट, तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट आएंगे। ज्यादा मात्रा में यूज किए बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल मतलब नुकसान नहीं होगा, हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, हर्बल फॉर्मुलेशन, तो रिजल्ट बहुत जबरदस्त आने वाले। तो सॉइल लाइफ के वजह से मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या बहुत जबरदस्त बढ़ती है, मिट्टी में बहुत सारी चीजें पड़ी होती है, मतलब कचरा है, पत्ते गिरे हैं या फिर और की टहनियां गिरी हैं और कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन या फिर जानवरों के अवशेष भी होते हैं, तो वो ऐसे ही पड़े तो कोई मतलब नहीं उसका। अगर उसको डिकम्पोज किया जाए, उसको सड़ गया, वो गल गया, तो उसका खाद में परिवर्तन हो जाता है। सारी चीजों को जो है सॉइल लाइफ उसको डिकम्पोज कर देता है। मिट्टी में हवा होनी चाहिए, ऑक्सीजन, ये बायोडायनेमिक का मेन थीम ही है ऑक्सीजन। तो मिट्टी के लिए भी ऑक्सीजन की बात है, मिट्टी के लिए भी ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। तो मिट्टी में ऑक्सीजन कैसे जाएगा, यानी हवा गई तो ऑक्सीजन जाएगा, लेकिन मिट्टी सख्त है, कड़क है एकदम, उसमें कोई मतलब पोरोसिटी नहीं है, उसमें छेद नहीं है, तो हवा जाएगी नहीं। तो मिट्टी की सेहत के लिए मतलब उसमें इतना ये सॉइल के इस्तेमाल से मिट्टी एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। किस तरीके से सॉफ्ट हो जाएगी, हमारे चाय पाउडर होती है चाय पत्ती, उस तरीके से मिट्टी होनी चाहिए। तो सॉइल लाइफ के इस्तेमाल से मिट्टी उस तरीके से हो जाएगी, तो पोरोसिटी अगर उसमें हो जाएगा तो हवा उसमें से बहती जाएगी, तो ऑक्सीजन फ्लो वहां पे बिल्कुल होगा, और ऑक्सीजन का जैसे फ्लो हो रहा है पानी भी अगर आता है तो पानी की भी मूवमेंट उसमें वैसी होगी, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। मिट्टी क्या करेगी, बारिश तो आपके काफी होती है लेकिन पानी बह जाता है, तो मिट्टी ने उस पानी को पकड़ के रखना चाहिए, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इसकी वजह से बढ़ जाती है। फिर उसमें जो दरारें पड़ती है, क्रैकिंग होता है, मिट्टी बह जाती है, उसको सॉइल इरोजन को और ये रोक देता है। बहुत सारे देखिए बहुत विषैले और हानिकारक रसायनों के इस्तेमाल से बिगड़ी हुई मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारता है, उसकी हेल्थ को इम्प्रूव सॉइल लाइफ करेगा। व्हाइट रूट्स, बहुत जबरदस्त तरीके से व्हाइट रूट्स की संख्या इसमें बढ़ती है। यूज कैसे करना है, खाद क्या किसी भी खाद के साथ बिखेर सकते हैं, उसको ड्रिप इरीगेशन से दे सकते हैं, 100% वाटर सोल्यूबल है, 100%
वाटर सोल्यूबल इसलिए ड्रिप से भी आप देख सकते हैं, टपक सिंचाई पद्धति जो होती है, मिट्टी पर छिड़काव कर सकते हैं, ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं। अभी मिट्टी में बीमारियां भी होंगी, तो मिट्टी में जो बीमारियां उनको ठीक करने के लिए भू अस्त्र है, भू यानी जमीन, भूमि, अस्त्र, तो भू अस्त्र है। बहुत सारी बीमारियां जो मिट्टी में होती है उसको ठीक करने के लिए प्रोडक्ट है भू अस्त्र। बहुत सारी सॉइल बोन डिसीजेस है उसको इसके माध्यम से ठीक किया जा सकता है। और ये बीमारियां होने की वजह से क्या होता है, पौधे सूख जाते हैं, जड़ सड़ जाते हैं, फल सड़ जाते हैं, तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती है वो इसकी वजह से कम होगी। इसका प्रमाण क्या है, अभी एक बॉटल देख रहे हैं आप, एक लीटर में है, तो पूरे एक एकड़ में एक फसल में एक ही बार यूज करना है, फिर दूसरी फसल आएगी, फिर एक एक एकड़ में एक लीटर यूज करेंगे हम लोग। उसके आगे का प्रोडक्ट है सुपर क्रॉप। अभी क्रॉप और सुपर क्रॉप मतलब फसल बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, ग्रोथ बहुत जबरदस्त आनी चाहिए, यील्ड बढ़ाने के लिए वो जरूरी है, तो उसके लिए प्रोडक्ट सुपर क्रॉप एक लीटर की बॉटल में है। ये कैसे यूज करना है किसानों को पता है, तो उनको बोलना है कि छिड़काव के लिए प्रोडक्ट है, एक लीटर पानी के लिए 2 ml यूज करो। सारे प्रोडक्ट का प्रमाण हुआ तो जमीन में एक लीटर डाल देना पूरा, लेकिन बाकी जितने प्रोडक्ट मैं अभी बताऊंगा उसके तीन प्रोडक्ट मेन जो है उसमें एक लीटर पानी में 2 ml ये इसका प्रमाण होगा। ऑर्गेनिक सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, कोई किसी भी प्रकार की फसल हो, कोई भी पौधा उसके लिए ये उपयोगी है, उसकी ग्रोथ को बढ़ाता है। पत्ते जो है इसे छिड़काव के बाद पत्ते बहुत बड़े हो जाते हैं, डार्क ग्रीन कलर आ जाता है, फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छी होगी, तो इसलिए यील्ड बढ़ने वाला है। मैं बहुत फास्ट जा रहा हूं, बहुत सारी चीजें स्किप भी कर रहा हूं। प्लांट की इम्यूनिटी, पौधों की ताकत को बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ाता है, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। फल सब्जियों में प्रोटीन और खनिज की मात्रा, मेरे सर ने बोला हुआ कि जो कुछ हम खा रहे हैं उसमें प्रोटीन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो कुछ चीजें हमें चाहिए वो बहुत कम आ रहा है, तो ये सुपर क्रॉप के इस्तेमाल की वजह से उसमें उसकी मात्रा बढ़ जाती है। कैसे यूज करना है, स्प्रे करते फोलियर हो, ड्रेंचिंग हो, ड्रिप इरिगेशन हो, एक लीटर पानी में 2 ml यूज करना है, इसको सीड ट्रीटमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। उसके आगे का प्रोडक्ट है एग्री लाइफ। पेड़ पर, पौधों पर अगर फूल बहुत ज्यादा आएंगे तो फल ज्यादा आएंगे। कई बार ऐसे तो फूल तो आ गए लेकिन फ्लावर ड्रॉपिंग हुई, फूल गिर जाते हैं, तो उसकी फूलों की संख्या बहुत होगी, फूलों की ड्रॉपिंग नहीं होगी, फूलों में से ज्यादा निकलेंगे, जो फल निकलेंगे वो ड्रॉप नहीं होंगे, फलों का आकार एक जैसा होगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो है एग्री लाइफ की वजह से होती है। ये भी एक लीटर की बोतल में है, इसका प्रमाण जो है एक लीटर पानी में 2 ml यूज करके इसको स्प्रे करना है। ये टोमेटो जो है वो उसको ओपन करेगा, प्लांट को जो स्ट्रेस आता है, जो टेंशन आता है उसको भी रिलीज करने का काम इसी वजह से होता है एग्री लाइफ की वजह से। पोलिनेशन पे बहुत फर्क पड़ेगा, फलों का आकार हो, चमक हो, उसका स्वाद है, परिपक्वता है, उसको बढ़ाएगा, फूलों का झड़ना कम होता है। भंडारण क्षमता मतलब क्रॉप हमने हार्वेस्ट तो कर लिया लेकिन क्या होता है कि कई बहुत कम दिनों में खराब हो जाता है सब्जियां और फल हो, तो उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाता है, शेल्फ लाइफ को बढ़ाएगा और अच्छी क्वालिटी रहेगी तो रेट भी काफी अच्छा मिलेगा। फसल की पैदावार को बढ़ाता है, ठीक है, स्प्रे करना है 2 ml पर लीटर। आगे का प्रोडक्ट है अगर बीमारियां आ जाती है तो ऑल क्लियर यूज करना है, ऑल क्लियर मतलब सारी बीमारी को उसको क्लियर करना है। याद रखना ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं कि छिड़काव कर दिया ये केमिकल, अगर क्या कहते हैं हम ये अगर पॉइजन है, ये अगर विष है तो तुरंत रिजल्ट दिखेंगे आप, लेकिन ये 100% हर्बल प्रोडक्ट है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें रिजल्ट आने में, लेकिन रिजल्ट आएगा जरूर। तो ऑल क्लियर प्रोडक्ट है 2 ml पर लीटर। उसके आगे एक प्रोडक्ट है ऑलराउंडर, नाम से ही देखिए ऑलराउंडर मतलब क्या, सब कुछ करता है, स्टिकर है, स्प्रेडर है, पेनिट्रेटर, शाइनर है, ऑलराउंडर है। कोई भी किसान हो, कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहा है, किसी भी कंपनी का यूज कर रहा है, उसके साथ ये प्रोडक्ट यूज करना ही करना है। कोई तो यूज करते हैं स्टिकर बोलते हैं नॉर्मली, लेकिन स्टिकर बहुत छोटी चीज होगी, साबुन का पानी भी कुछ लोग यूज करते हैं, देहाती कुछ कुछ सोल्यूशन है किसानों के पास में। तो ये प्रोडक्ट जो है ये इतना जबरदस्त है दोस्तों, और इसका इतना इकोनॉमिकल है कि 3 लीटर पानी की अगर बात करें, 3 लीटर पानी में 1 ml यूज करना है, 3 लीटर पानी मतलब स्प्रे 3 लीटर से जितना भी होगा उसमें केवल 1 ml लगेगा, यानी पंप है आपका 15 लीटर का,
15 लीटर पानी आपने डाला हुआ उसमें दवाइयां डाली हुई, इसका केवल 5 ml डाल दो, फायदा क्या होगा? अभी बहुत सारे किसान यूज करते हैं भाई, अगर आप किसानी जानते नहीं, खेती जानते नहीं, फार्मिंग जानते नहीं, फिर भी आपके रिश्तेदार होंगे, दोस्त होंगे, परिचित लोग होंगे, हर के पास खेती है, किसी की ना किसी के पास खेती है, तो आपके लिए मार्केट बहुत बड़ा ओपन है। याद रखना, आपके पास कोई बोलेगा नहीं मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, यहाँ क्या करना है एग्रीकल्चर का, लेकिन आप जहां से भी, आपके रूट जहां से भी, आपके कॉन्टैक्ट जहां से भी, वहां पे खेती होती है। तो वहां पे कोई भी फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, स्प्रे करने के बाद क्या होता है, अभी मान लो स्प्रे कर दिया तो ड्रॉपलेट्स फॉर्म होते हैं ना, ड्रॉप्स, मतलब क्या होगा, पानी की बूंद, वैसे दवाई की बूंद। अब बूंद अगर पत्ते के ऊपर गिर गए तो क्या होगा, नीचे गिर जाएगी ना, कैसे नीचे गिरेगी, या तो पत्ता समझो थोड़ा सा ऐसा झुका हुआ है तो उसमें से रोल होके नीचे गिर जाएगी, हवा आ गई नीचे गिर जाएगा, बारिश हो गई नीचे गिर जाएगा, तो वेस्टेज बहुत होता है। किसानों की लागत ज्यादा क्यों हो रही है, अभी लाखों करोड़ों के जो प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं उसका यूज करने के बाद वेस्टेज बहुत है। तो कोई भी चीज का अगर छिड़काव कर लिया तो यहाँ पे क्या होता है, ऑलराउंडर डालने के बाद, अब इसके डेमो भी होते हैं बहुत सारे, स्प्रे करने के बाद क्या होता है, तुरंतली मतलब तुरंत वो क्या होगा कि उसका जो बूंद है, बूंद दिखेगी नहीं, बस्ट हो जाता है डायरेक्ट, तुरंत बस्ट हो जाता है, तुरंत वाटर टेंशन रहता है सरफेस से, तो इमीडिएटली बस्ट होकर टोटल मतलब बूंद दिखेगी नहीं आपको, एक भी बूंद नहीं है, तो जैसे ही पत्तों पे जाएगा तुरंत विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में फैल जाता है। अब फैलेगा पत्तों के ऊपर, चिपकेगा पत्तों से ऊपर से नीचे तक, उसको लेके आएगा दवाई को और शाइनिंग बनाए रखेगा, फोटोसिंथेसिस बहुत होगी, तो इससे क्या होगा कि बहुत जबरदस्त तरीके से किसानों की बचत होती है, जो भी प्रोडक्ट यूज करेंगे उसकी कॉस्ट इफिशियंसी बढ़ गई, रिजल्ट्स बहुत जबरदस्त बढ़ेंगे, यील्ड बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ेगी। और ये सारे प्रोडक्ट जो है मैंने अभी कहा, यहाँ पर छह प्रोडक्ट है, 5 प्रोडक्ट 1 लीटर की बॉटल में आते हैं, एक प्रोडक्ट जो है वो पाउच में आता है, 1 kg के पाउच में, इसके ऐसे फ्लायर्स अवेलेबल, अच्छा लग रहा है क्या? मान लो आपके पास व्हाट्सएप पर आ गया ये फ्लायर, ये आपने किसी को भेज दिया, सामने वाला क्या बोलेगा, यार ये कहां मिलेगा, ये प्रोडक्ट हमें खरीदना है। तो इतने फैंटास्टिक तरीके से ये सारे फ्लायर्स हमने बनाए, देखिए सॉइल लाइफ का फ्लायर है, ये भू अस्तर का फ्लायर है, उससे सारे बेनिफिट्स यहां पर दिए गए, सुपर क्रॉप का फ्लायर, एग्री लाइफ ऑल क्लियर ऑलराउंडर, ये पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऐसे इस तरीके से अवेलेबल। मुख्य विशेषता है प्रोडक्ट की क्या है, उसके फायदे क्या है और वो उपयोग की विधि क्या है, किस तरीके से यूज करना है, इसके डिटेल फ्लायर्स, इंडिविजुअल 1-to-1 भी फ्लायर है, इसलिए यहाँ पर दिखाया गया, ये सब रेडी है, देखिए सॉइल लाइफ का फ्लायर, भू अस्त्र का फ्लायर, सुपर क्रॉप का फ्लायर, एग्री लाइफ का फ्लायर है, ऑल क्लियर का फ्लायर है, ये भी अच्छा लग रहा है डिजाइन। तो एक एक प्रोडक्ट का एक पूरा डिटेल में फ्लायर, क्योंकि क्या सारे के सारे 6 प्रोडक्ट मान लो किसी के नहीं खरीद, किसी को ऑलराउंडर चाहिए तो उसको इंडिविजुअल एक फ्लायर भी भेज सकते हैं, एक प्रोडक्ट का पूरी डिटेल चाहिए, पूरी डिटेल में ये सारा प्रेजेंटेशन, ये पीपीटी है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, प्रतीक सर आपको शेयर करेंगे, और इसका पीडीएफ भी है और सारी जेपीजी भी है, सारी हर चीज ये आपको दिखाने की कोशिश की, ये सारी चीजें हमारे लिए मार्केटिंग के लिए अवेलेबल है। इस तरीके का फ्लायर है कि फायदा क्या होता है, उत्पादन में 25% से 50% की वृद्धि होती है, उत्पादन लागत में 25% से 50% तक की बचत होती है, ये सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, गुणवत्ता में सुधार होता है, उपयोग करना और आसान करना, संभालना बहुत आसान है, एनी काइंड ऑफ एग्रीकल्चर अगर है, बागवानी, शुष्क भूमि, सभी के लिए लाभदायक है, सभी प्रकार के फसलों, सब्जियों, फूलों और फलों के लिए, बगीचों के लिए उपयुक्त है, इस तरह के कुछ हाइलाइट्स भी है। ये रिजल्ट्स के फोटोग्राफ्स मैंने जो बताया 100, ये CDU है, ये केन डेवलपमेंट ऑफिसर, ये मैं हूं, और ये देखिए क्या है, गन्ने बहुत जबरदस्त रिजल्ट, 1 acre में 100 tons, इतना प्रोडक्शन यहाँ पे है शुगर फैक्ट्री में, ये बैंगन वगैरह, ये बहुत सारे रिजल्ट, 15 साल से सिर्फ लाखों लोगों ने यूज किया इसको, ग्रेप्स, ये भिंडी है, और अलग अलग राज्यों से
ये देखिए कैसे लग रहा है रिजल्ट, बहुत बढ़िया। हल्दी हो, अदरक हो, ये उसका वीडियो है लेकिन मराठी में ये आपको समझ में नहीं आएगा। ये दो मिनट का वीडियो शुगर फैक्ट्री वाला वीडियो, उन्होंने पूरा बताया। उन्होंने कहा कि हम लोग इतना उसमें रिसर्च करते हैं, कंटिन्यूसली डेवलपमेंट करते हैं। मैंने अपनी सालों की प्रैक्टिस में, मेरी जिंदगी भर अभी तक की जो प्रैक्टिस है उसमें ऐसे रिजल्ट्स मैंने कभी नहीं देखे हैं। क्या बात है। इस फॉर्मेट में वीडियो बना के दिया आपको, देखो है ना फॉर्मेट अच्छा है, जो वीडियो यहां पर चलता है, बीच में वीडियो प्ले होता है। जैसे आपको पीपीटी मोबाइल में भी, ये जो सामने सब कुछ दिख रहा है पूरा मोबाइल में, आप इसी तरीके से आप दिखा सकते हैं, इसके इफेक्ट्स वैसे है। नमस्कार सर, ये पूरा कॉमन है बीच में वीडियो सर, मतलब उत्तम ये आपके हमारे काम की बात। पीवी कितना है, पैसा कितना है, तो यहाँ पे मैंने बता दें कि अगर पांच प्रोडक्ट कोई खरीदेगा, पांच ही प्रोडक्ट खरीदेगा तो 1800 रुपए का प्रोडक्ट 1400 में मिलेगा, डीपी उसकी 1400 होगी 7000 रुपए, और उसमें 25 पीवी मिलेगा, लेकिन प्रोडक्ट पड़ेगा पांच प्रोडक्ट मिलेंगे 7000 रुपए। हाँ, मनी मनी बहुत इंपॉर्टेंट, सही बात है, लेकिन पांच प्रोडक्ट तो प्रमोट करना ही नहीं आज तक। अभी जब से आए एक भी किसी ने पांच प्रोडक्ट खरीदे नहीं, क्योंकि 1400 रुपए में प्रोडक्ट क्यों मिलेगा अगर 900 रुपए में मिल रहा है, तो 900 रुपए में कैसे मिलेगा अगर 10 प्रोडक्ट खरीदते हैं। यहाँ देखिए, बाय एनी 10 प्रोडक्ट। इसमें खासियत है, सागर सर ने सॉफ्टवेयर में इसमें एक महीना पर लेके चेंज किया हुआ है कि आप कोई भी प्रोडक्ट कितनी भी क्वांटिटी में ले सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं। तो बाय एनी 10 प्रोडक्ट, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी जरूरत के हिसाब से, आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी 10 प्रोडक्ट आप खरीदिए। एमआरपी 1800 हो जाएगा, 9000 में मिलेगा, 50% डिस्काउंट है। इसको बेचेंगे तो 100% रिटेल प्रॉफिट मिलेगा। 9000 में खरीदा, 18000 में बेचा, 9000 रुपए रिटेल प्रॉफिट, 25 पीवी। नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पे मैंने कहा था कि बाय एनी 20 प्रोडक्ट, कोई भी 20 प्रोडक्ट। जब आप सिलेक्शन करते हैं ना फर्स्ट परचेस के लिए, तो जो ऑप्शन दिए उसमें लास्ट ऑप्शन, सबसे लास्ट एंड में एक ऑप्शन है, ई बायोडोम इन्फ्लुएंस एग्री प्रोडक्ट, उसको क्लिक करेंगे, उसके बाद ये 6 प्रोडक्ट के नाम आएंगे, उसके सामने आपको क्वांटिटी देनी है, सुपर क्रॉप 4 चाहिए, सॉइल लैब 2 चाहिए, जो भी उस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। तो आप यहां पर देखिए 50 पीवी है 16500 रुपए में, लेकिन प्रोडक्ट मिलेंगे 36000 रुपए के, और 100 पीवी वाला भी है, बाय एनी 40 प्रोडक्ट 100 पीवी 1840 प्रोडक्ट की बात, 72000 एमआरपी हो गई, 72000, और आपको मिलेंगे वो 31000 डीपी। देखो क्या है पैकेज प्राइस, हमारे 31000 डिस्काउंट है 41000 का, और बेचेंगे तो 41000 रिटेल प्रॉफिट, 132% रिटेल प्रॉफिट, वाओ 130। इसमें एक बात बताऊं तो बिजनेस, क्योंकि बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, 40 खरीद के रख लिए तो अपने इससे क्या करूं मैं, अरे जब भी यूज करना है, इसकी एक्सपायरी 3-3 साल है, 3 साल की एक्सपायरी, तो कोई इशू ही नहीं है। आप महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में इसको निकाल सकते हो। एक प्रोडक्ट आपको मिला है 775 में, 775 में प्रोडक्ट मिला है, किसी को एक प्रोडक्ट भी चाहिए, हर तो वो बोलते थोड़ी बोलेगा मुझे 10 प्रोडक्ट दे, 10 प्रोडक्ट या 40 प्रोडक्ट दे दो, 2 प्रोडक्ट दीजिए मुझे, तो आप प्रोडक्ट कितने में बेचेंगे, 1800 रुपए एमआरपी है, भले 400 रुपए डिस्काउंट दे दिया उसको, 1400 रुपए में एक प्रोडक्ट दे दिया, तो 1400 रुपए का प्रोडक्ट आपने खरीदा कितने में, 775 में, या 800 मान लेते 800 रुपए में, एक प्रोडक्ट के पीछे 600 रुपीज, घूमते घूमते 2 प्रोडक्ट बैग में, बैकपैक में 2 प्रोडक्ट रख लिए, दिन भर में 2 प्रोडक्ट भी जाते हैं, नेटवर्किंग कर ही रहे हैं, नेटवर्किंग कर ही रहे हैं, 2 प्रोडक्ट अगर जाते हैं तो 1200 रुपए जेब में आ गए डायरेक्ट ऑन द स्पॉट कैश एवरी डे, एक प्रोडक्ट 600 रुपए। तो आपके जो बिजनेस डेवलपमेंट के एक्सपेंसेस है ना, ऐसे ही निकल जाएंगे फटाफट, एक प्रोडक्ट 600, 200, 2 प्रोडक्ट 1200। आप सोचिए उसके माध्यम से, रिटेल के माध्यम से भी एक बंदा कोई 50,000-1,00,000 रुपए कमा सकता है, लेकिन रिटेल ही नहीं करना है, नेटवर्किंग को फोकस करना है, फिर साथ में जाते जाते रिटेल करना है, राइट। तो ये कुछ ऐसे फ्लायर बनाए थे प्रमोशन के लिए, आप मार्केट में भेज सकते हो, बाय एनी 10 प्रोडक्ट, बाय एनी 20 प्रोडक्ट, बाय एनी 40 प्रोडक्ट। तो ऐसे एक प्रेजेंटेशन है, जबरदस्त रिजल्ट्स है। इसमें जो आपका पिकअप सेंटर है, पिकअप सेंटर
मान लीजिए 40 प्रोडक्ट्स का पैकेज जो है ना, 40 प्रोडक्ट, हमने कहा कि 1800 का एक प्रोडक्ट है, 40 प्रोडक्ट के होते 72,000, आप फर्स्ट परचेस के लिए देने वाले 31,000 में जो प्रोडक्ट आपको पड़ता है 775 में इफेक्टिव प्राइस, लेकिन पिकअप सेंटर के प्राइस है 21,700 रुपए। बिजनेस हर चीज में ढूंढने में है। पिकअप सेंटर में अगर 21,700 में 40 प्रोडक्ट मिल रहे हैं दोस्त, तो एक प्रोडक्ट की प्राइस हुई 542 रुपीज, 542 रुपए, 1800 रुपए वाला प्रोडक्ट है। 550 में प्रोडक्ट खरीदा, 1400 में बेचा, कितना हुआ? 850 रुपए एक प्रोडक्ट की पीछे। अभी हम दो प्रोडक्ट रिटेल हो गए, 1700 रुपए की इनकम, महीने भर में 51,000 तो ऐसे ही मिल गए, दो प्रोडक्ट बेचेंगे तो भी रिटेल में। पिकअप सेंटर में भी ट्रेमेंडस बेनिफिट है आपके। सो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत कुछ कर सकते हैं, करेंगे बिल्कुल। और सागर सर ने इतना जबरदस्त, इतना मतलब आपको प्लेटफॉर्म भी इतना जबरदस्त दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना जबरदस्त दिया हुआ है, प्रोडक्ट इतने जबरदस्त दिए, प्लान ट्रेमेंडस जबरदस्त प्लान है, अनबीटेबल अनमैचेबल ऐसा बिजनेस प्लान है, तो काम बहुत बढ़िया होगा। मैंने भी छोटी सी शुरुआत की है, सवा महीना हुआ मुझे ज्वाइन करके, जीरो से मैंने स्टार्ट किया, भले 700 करोड़ का टर्नओवर है, लेकिन मैं भी नेटवर्किंग करना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ ई बायोडोर में जुड़ा हूँ एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। सवा महीने पहले जुड़ा, कितनी अभी 1700 ज्वाइनिंग हुई है मेरी मेरी टीम में 1700। और मेरे जो स्पॉन्सर है प्रमोद इबारे सर, प्लीज आई जैन सर कहा है आप, मेरे स्पॉन्सर अपना है प्रमोद इबारे जी, विनय इबारे सर प्रोडक्ट बनाएंगे, वो मोर पावर उनका है, बिजनेस नेटवर्किंग हमारा है। तो मेरे स्पॉन्सर ये हैं प्रमोद हिबारे जी, और उनके स्पॉन्सर मेरे अप्लाई ने अनिल जैन सर इनके सहयोग से, इनके मार्गदर्शन से ऐसा काम किया है कि 1700 ज्वाइनिंग हुई है। और पहले मैंने भी लग रहा था कि यार पता नहीं, क्योंकि पहला चेक 440 का आता है, मजा नहीं है। अभी पहला भी चेक, मेरा भी चेक, पहला चेक कितना है या अकाउंट में क्रेडिट हुआ 440 रुपए, लेकिन आफ्टर 30 डेज, 30 दिन का जब हिसाब निकाला तो 212,000 रुपए पहले मैंने। मेरे पास वो सारे जो डिटेल आते हैं ना स्क्रीनशॉट्स, 212,000 रुपए की पहले मैंने अर्निंग है। 2 जनवरी सागर सर का बर्थडे है, मुंबई में षण्मुगानंद ऑडिटोरियम में फंक्शन कर रहे हैं 3,000 लोगों का, मेरी टीम है टीम चैंपियंस। देखो अभी शुरुआत है, 4.5 महीने के बाद में एक फंक्शन होगा 3,000 लोगों, बता इसलिए रहा हूं क्योंकि हम लोग जिसके लिए आए हैं, बिजनेस के लिए, नेटवर्क के लिए, बहुत बड़ा पैसा कमाने के लिए, तो किस तरीके से हो सकता है थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाए। 3,000 लोगों का सेमिनार कर रहा हूं, अभी तो 1700 ही ज्वाइनिंग है, 4.5 महीने बचे हैं, सही है ना सर? यस। ये डिक्लेयर किया हमने 2 जनवरी को सागर सर के बर्थडे पर षण्मुगानंद ऑडिटोरियम मुंबई में सेमिनार होगा 3,000 लोगों का, और उस सेमिनार में 100 लखपति स्टेज पे आएंगे, 100 लखपति। और ये 100 लखपति हमारे फ्यूचर के आने वाले 3 से 4 साल में 100 करोड़पति जो टारगेट है उसका पहले यहां का सेमिनार। जो अभी सिर्फ केवल पति है, बाद में लखपति बन जाएगा, बाद में करोड़पति भी बन जाएंगे बिल्कुल। तो इस तरीके से बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है दोस्तों, और ऑल इंडिया लेवल पर टीम होगी। अभी बहुत सारे लोग मुझे मिले, कुछ जानते हैं इंडस्ट्री वाले, उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा काम उनका भी हो रहा है, तो बिल्कुल आइए साथ में मिलकर काम करते हैं, ज्वाइंटली काम करेंगे, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर सागर सर हमारे लिए बैठे ही है कि आप लड़ो, मैं हूँ पीछे, बिल्कुल इतना कॉन्फिडेंस उन्होंने जो दिया हुआ है, तो मजा आता है उनके साथ काम करने में। तो बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, ऑलरेडी अच्छा काम हमने किया हुआ है, 200 करोड़पति बनाया है, लेकिन ऐसी हिस्ट्री कि मतलब कंपनी को डायरेक्टली टॉप 10 में लेके जाना, बाद में टॉप 5 में लेके जाना, टॉप कंपनी बनाना बिल्कुल हो सकता है। मैं आपके साथ में, कभी भी कोई जरूरत हो बिल्कुल आप बोल सकते हैं, क्योंकि मैं क्रॉस लाइन वगैरह कुछ मानता नहीं, मैं कंपनी फर्स्ट एटीट्यूड वाला हूं, कंपनी बढ़ेगी तो हम बढ़ेंगे, और कंपनी बढ़ने के लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे। आई एम विद यू, आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।